उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। इस बीच नोएडा में एक साथ कई कोरोना के मामले सामने आने की खबर है। हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार पिछले 24 घंटे में यहां 114 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे कुल मामलों की संख्या लगभग 400 हो गई है। इसी तरह गौतम बुद्ध नगर में आशावाद दर भी लगातार बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हालांकि राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन राज्य में कोरोना मामलों में वृद्धि की खबरों के बावजूद सभी को सतर्क रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय कोविड सलाहकार समिति एवं उच्च स्तरीय टीम 9 के साथ मिलकर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने सभी से सतर्क रहने को आग्रह किया है और कहा है लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, वाराणसी, आगरा और मेरठ जिलों पर अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता है। सीएम योगी के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एंटी कोविड 19 टीकाकरण कवरेज है, इसलिए यहां गंभीर बीमारी होने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी सभी को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।